I don't usually take reference from other actors or other performances unless it is based on that actor. If you're portraying another actor, if your character is based on another actor, then obviously you have to take references from that actor's performances or his real life persona or something. Otherwise, my references usually come from what I've read, people I've observed, places I've been, experiences that I've experienced. So, मेरे हिसाब से जो भी मैंने इस किरदार के अंदर लाया है, वो मेरी एक अनुभव के हिसाब से, मेरी एक विजन के हिसाब से, और मेरी जो थॉट्स और माय मॉरल्स, माय बिलीव्स, आई थिंक ऑल ऑफ दैट इज़ पार्ट ऑफ सिद्धांत प्रभु. सो आई वोंट से इट्स इंस्पायर्ड बाय एनी कैरेक्टर और एनी एक्टर. पहले मैं हिंदी में जवाब दूँ या इंग्लिश में? हिंदी या इंग्लिश? थैंक यू फॉर लाइकिंग द ट्रेलर सो मच. इट्स वेरी हार्टनिंग और बहुत अच्छा लगता है और एक ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है टू गो आउट एंड मेक दिस फिल्म इवन यू नो मोर पॉपुलर अमंग्स द पीपल, क्योंकि आपने ये बहुत इतना पसंद किया. बट डेफिनेटली व्हेन द ट्रेलर इज एक्सेप्टेड वाइडली और जब लोगों को पसंद आया, आई थिंक वो इनिशियल क्यूरियोसिटी जो है वो बिल्ड होती है. लेकिन अब सब्सिक्वेंटली जो भी प्रोमोज हम रिलीज़ करेंगे, जो भी आगे के प्रेस रिलीजेस होंगे, पोस्टर्स आएंगे, दे विल ऑल्सो बी वेरी वेरी बारीकी से उनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टू फॉलो दिस ट्रेलर अप विद समथिंग एज गुड इफ नॉट बेटर. काफ़ी साल पहले, 10-12 साल पहले की बात है, मेरी फिल्म नज़र रिलीज़ हो रही थी. सोनी राजदान जी ने डायरेक्ट की थी, महेश भट्ट साहब ने प्रोड्यूस की थी. को प्रोडक्शन था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक विशेष फिल्म्स और एक पाकिस्तानी कंपनी के बीच फर्स्ट को प्रोडक्शन आई बिलीव बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. और कुछ एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की गई थी कारा फिल्म फेस्टिवल कराची में, क्योंकि एक शॉट था जहाँ पे मेरे और हीरोइन के बीच में एक छोटा सा किस टाइप पेक ऑन द लिप्स था, जिससे वहाँ पे थोड़ा सा बवाल क्रिएट किया गया था, जिसको लेके जब फिल्म रिलीज़ हुई थी और प्रीमियर होल्ड किया जा रहा था पाकिस्तान में, सबको वीज़ाज मिले, सिर्फ मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया गया था. एंड नो वन कुड आंसर एज टू व्हाई दिस हैपेंड. तो भट्ट साहब बहुत नाराज़ थे, उन्होंने शौकत अजीज़ साहब आई थिंक एट द टाइम प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कुछ थे वहाँ पे पाकिस्तान में, उनसे भी बात की थी, लेकिन वो भी बोले कि इट्स नॉट इन माई हैंड्स, आई कॉन्ट डू एनी थिंग. तो इट वॉज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी कि सारी स्टारकास्ट वहाँ पे जा रही है सिवाय मेरे. सो दैट स्टेड विद मी एंड इट्स हर्ट मी. एंड आई नो कि जो आम जनता है पाकिस्तान की, दे लव आर फिल्म, दे लव आर कल्चर. हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं इन टर्म्स ऑफ आर कल्चर्स. अगर आप 50 लोगों को एक रूम में खड़े करेंगे, कोई बता नहीं पाएगा इंडियन कौन है और पाकिस्तानी कौन है, अनलेस दे स्पीक. बोलने के अंदाज से थोड़ा सा पता चल जाता है, एक्सेंट से. सो वी आर सो सिमिलर एंड सो अलाइक. ऑब्वियसली ये पॉलिटिक्स है, और आई एम श्योर कि आपका अगला सवाल ये है कि मेरा स्टैंड क्या है इस मुद्दे पे जो रिसेंटली कॉन्ट्रोवर्सी में. देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट आर्टिस्ट, आई कॉन्ट बी बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट माई सेल्फ. लेकिन जब हमें अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है पाकिस्तान में, हम जाके वहाँ पर ओपनली काम नहीं कर सकते, उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती. हाँ, देयर इज अ प्रोसेस फॉर वीज़ा एप्लीकेशन एवरीथिंग, वो ड्यू प्रोसेस से उनको यहाँ पे काम करने का मौका मिलता है. वी डोंट गेट दैट चांस, आई थिंक दैट्स रॉन्ग फर्स्टली. और जो करंट सिचुएशन है उसको लेके अगर ये मैसेज पाकिस्तान गवर्नमेंट तक पहुँचती है और उनके जो इन्फ्लुएंशियल जनता है, एक्टर्स और परफॉर्मर्स, उनसे अगर वो आवाज़ ज़्यादा लाउड बनती है और वो टेररिज्म को थोड़ा सा टारगेट करेंगे, एंड इफ इट मेक्स इवन इतना सा डिफरेंस, इट सेव्स इवन वन लाइफ ऑफ वन जवान ऑफ आस ऑन द बॉर्डर, आई थिंक इट्स वर्थ इट. आई थिंक द बैन शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड नॉट परमानेंटली. लेट सिचुएशन सिमर डाउन. लेट बातचीत बहुत होती है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, लेकिन ऑन द ग्राउंड कुछ हम देखते नहीं है कि कुछ प्रोग्रेस हो रहा है. सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टैंड. आई थिंक इतने सालों से हमने डिफेंसिव स्टैंड लिया है, इट्स अबाउट टाइम दैट वी
एट लीस्ट डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि हम लोगों के जीवन में कोई डिफरेंस नहीं हो रही है. हम लोग यहाँ पे मुंबई में, हमें पता भी नहीं होता कि बॉर्डर में क्या हो रहा है, कितने जवान शहीद हो रहे हैं. उनके फैमिली से अगर हम पूछेंगे, दे हैव अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन. जैसे कि रोनित सर ने कहा कि एक जवान ने कहा कि हम लोग बॉर्डर में दिन रात हम खड़े होते हैं, वी आर फेसिंग इमिनेंट डेथ एनी टाइम, और आप लोग उनके साथ ही बैठ के एक ही रूम में चाय पी रहे हैं. तो उनको भी लगता होगा कि वाई वी, हम लोग यहाँ पे क्यों, जब हमारी जनता हमें रिस्पेक्ट नहीं करती. हमारी जो एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, वो दे डोंट रियली सीम टू केयर अबाउट आवर लाइव्स. सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी मेक अ स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू देम कि दिस इज नॉट राइट. इट्स वी नॉट अगेंस्ट आर्ट, वी नॉट अगेंस्ट कल्चर, वी नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, वी नॉट अगेंस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट, वी नॉट अगेंस्ट द आम जनता, वी अगेंस्ट टेररिज्म. एंड टेररिज्म इज बींग ब्रीडेड इन योर कंट्री, सो डू समथिंग अबाउट इट.